प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको मशीन में बार बार सुई तोड़ती है, जैसे ही चलाते हैं या छोटा है या मोटा जैसा भी कपड़ा हो उसमें सुई तोड़ती है, उसे क्या क्या कारण होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा और उन कारणों का सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये मशीन आज ही हमारे पास आई है और इसमें सुई तोड़ने की प्रॉब्लम है। मैं चेक करके बता रहा हूँ सुई क्यों तोड़ रही है, कैसे तोड़ रही है। ये कपड़ा है, मैं धागा वगैरह कुछ नहीं लगाया, खाली चला के देख रहा हूँ, यानी कि ये सुई पहले ही राउंड में मोड़ दी, यानी सुई कहीं ना कहीं अड़ रही है या बुश में या किसी चीज़ में खराबी है। तो उस चीज़ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह सही करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन इसका मत्था होता है, इसका मत्था होता है, इसको खोल लेते हैं। ये चीज बहुत इजी तरीका बताऊंगा जिसमें आप बहुत आसानी से इस परेशानी से निजात पा सकते हो। अभी सुई मुड़ गई है, इस कंडीशन में काम नहीं करेगी, तो इसको हटा ही देता हूँ। ये हटा दिया, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करना है, इस वाले पार्ट को, जो ये वाला पार्ट है, इस वाला पार्ट को, इसमें एक स्क्रू होता है जो अंदर से इस साइड से बैक साइड से खुलता है, बैक साइड से, जैसे कि आप देख सकते हो इस जगह से खुलता है। तो इसको मैं खोल के दिखा रहा हूँ, इस तरह से स्क्रू घुसाएंगे। इसको पहले बिल्कुल नीचे ले आएंगे, बिल्कुल लास्ट में, कि जहाँ से अब ऊपर जाने की कंडीशन होती है वहाँ पर इसको रोक देना, और इधर से स्क्रू ड्राइवर घुसा के अब ये लूज हो गया, ठीक है। देखो फिर रहा है, अपन देख सकते हो, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इसको साइड करना है, पहले बढ़िया सुई ना लगे, पहले कोई भी खराब पड़ी हुई सुई जो सीधी हो उसको लगाएं। ये अपन ने टाइट कर दिया और इसको नीचे लाते धीरे धीरे, ये यहाँ पर आ गया, जहाँ से ऊपर जैसे जान फिराते हो ऊपर जाने की कंडीशन हो वहाँ पे रोक देना, रोक के इसको बिल्कुल नीचे ले जाओ। इसमें ये नीचे ले गए, अब इसमें करने के अपनी ये सबसे छोटी उंगली होती है, इस उंगली को इस तरह से नीचे अंदर घुसाना है, इसके जो ये वाला पार्ट है सटल सटल वाला अंदर, ये वाला सटल वाले सटल के अंदर इस तरह से सटल में घुस गया। अब इसको नीचे करना है और केवल उंगली पे ऐसा महसूस हो कि टच हो रही है, उंगली चुभ नहीं रही है, टच हो रही है। इस कंडीशन में लाके बिल्कुल सीधा, अपन को ध्यान रखना है ये वाला जो स्क्रू है वो भी बिल्कुल सीधे में बिल्कुल सीधा होना चाहिए इसके कंपेयर। इसको देख लें, हल्का सा उंगली में टच होना चाहिए, बस ये टच हो गया। अब इसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको दोबारा यहाँ पर अपन कस देते हैं। इसको दोस्तों फुल टाइट कसना है, अगर इसको टाइट नहीं कसा तो मोटे पतले कपड़े, मोटे कपड़े में जब भी मशीन चलेगी तो ये गज को ऊपर कर सकते हैं। तो इसको फुल टाइट कस देना है, उंगली को अपन हटा लेते हैं इस तरह से, और इसको फुल टाइट कस देते हैं पूरी ताकत के साथ इस तरह, ये कस गया। अब इसको अपन चला के देखते हैं, ये अपनी जो सुई तोड़ने की परेशानी से एक चीज से अपन निजात पा गए कि इस कारण जो सुई तोड़ रही थी वो चीज अपन ने सही कर ली। अब दूसरा कारण है, ये फुट हटा दिया और प्लेट खोल दी, प्लेट को खोल लिया, और प्लेट खोलने के बाद अपन सुई को नीचे लेके, अब अपन को देखना है जो शटल होती है, ये वाली जो शटल होती है इसकी यहाँ पे एक नॉक होती है जो कि धागे को कैप्चर करती है और सुई के साथ पकड़ती है, उसमें सुई का गैपिंग कितना है उस चीज को चेक करना है।
अगर सुई का गैप थोड़ा भी ज्यादा है तो उसके लिए अपन को करना क्या है कि कोई भी हथौड़ी से या किसी भी पार्ट से इस तरह से कि इसमें एक इसको पूरा कंप्लीट ऊपर लेके यहाँ पे इस जगह पे हल्का हल्का चोट मारना है, जिससे कि वो उसके टच भी ना हो और दूरी भी ज्यादा ना हो, इस तरह से। अब अपन देखते हैं कि इसमें थोड़ी सी दूरी है, एक हल्की सी चोट और मारेंगे, पर चोट हमेशा इसको ऊपर ले जाके लगानी है, क्योंकि नीचे लगाओगे तो इसमें गज में ज्यादा बल आ सकता है। और यहाँ पे अगर चोट इस तरह से कंडीशन में अगर अपन चोट लगाते हैं तो उससे रीजन होगा कि इसको ये वाला पार्ट कैप्चर कर लेता है, और कैप्चर करने के बाद उसमें ऊपर कोई भी बैंड नहीं आता, क्योंकि ये वाला इससे ऊपर वाला हिस्सा नहीं, ऊपर नहीं जाता है। ये फर्स्ट लुक सेकंड पार्ट हुआ। अब इसमें देखना है कि अपन को सुई तोड़ने का एक रीजन इसमें भी होता है, इसे प्लेट कहते हैं, इसको अपन साधारण भाषा में क्या कहते हैं कि दांते वाली प्लेट। इस प्लेट में कहीं टचिंग तो नहीं हो रही सुई की, जब अपन मशीन चलाते हैं तो सुई की टचिंग तो नहीं हो रही, इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, ये जो ये दोनों होल होते हैं स्क्रू कसने वाले, प्लेट को कैप्चर करने वाले, इन स्क्रू पे बिल्कुल सीधा सेट करके अपन देख लेते हैं कि ये सही है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इस तरह से अपन इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब मैं आपको कंप्लीट इसको कसने के बाद और मशीन में मैंने सारे पार्ट सेट कर लिए, अब वो धागा डाल लिया है। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ किस तरह ये चलेगी और जो प्रॉब्लम अपने साथ थी वो सही हुई है या नहीं। ये चेक पार्ट है, ये मोटा कपड़ा है जीन्स वाला दोस्तों, ठीक है। पहले इसको चला के देखते हैं, अब मैं इसको फुल चाल करके चला रहा हूँ। बिल्कुल फर्स्ट क्लास सिलाई, इधर से भी एक एक नग क्लियर है। तो देखो दोस्तों, बिल्कुल क्लियर साफ सिलाई है, ठीक है। ये बैक सिलाई बिल्कुल एक एक नग क्लियर। अब पतले कपड़े पे भी चला के दिखाता हूँ, ओके। इस पे भी बिल्कुल क्लियर। अगर पतले कपड़े पे तो दोस्तों, पतले कपड़े पे अगर थोड़ा सा भी खिंचाव आता है तो बैक सिलाई में दिखाई देगा। उसके लिए अपन को करना क्या है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा और टाइट कर दे। दोबारा मैंने इसको टाइट करके दोबारा मैं इसको कंप्लीट आपको चला के दिखा रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ सिलाई है, इधर से ये ऊपर की है और ये वाली नीचे की है, आपको एक एक क्लियर सिलाई दिख रही है। पतले कपड़े में दोस्तों माताओं बहनों को शिकायत आती है कि भाई जैसे अपन सिलाई करते हैं तो वो सिलाई सुकड़ जाती है, तो उसके लिए दोस्तों अपन को एक विशेष ध्यान रखना है। सिलाई करते वक्त जब अपन सिलाई करें तो धागे को थोड़ा सा हल्का सा लूज कर लें,
ये टाइट, अगर लूज पे नहीं आ रहा तो टाइट कर लें, दोनों तरफ साइड करके देखना पड़ेगा और हाथ को इस तरह से, इस तरह ये दोनों उंगलियों को इस तरह से पकड़ना पड़ेगा जिससे कि आप सिलाई को अच्छी तरह कर सको। बिल्कुल क्लियर, ओके दोस्तों। आज के वीडियो में मैंने आपको सुई क्यों तोड़ती है और बार बार तोड़ती है तो उसके दोनों रीजन बताए, और आपको मैं आशा करता हूँ आपको वो मेरी जो रीजन बताए वो समझ में आ गए होंगे। और आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। और प्लीज अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो या देख रहे हो, अच्छा लगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे कि हम नए नए वीडियो आपको पहुंचा सके। और चलते चलते दोस्तों आज का विचार, हाथ की सच्चाई और चरित्र का अच्छा होना मनुष्य को संत बना देता है। जय हिंद।